ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, पर उसकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। अगर हम उन एलिमेंट्स को समझेंगे तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कल हमने ग्रैटिट्यूड की बात करी थी। जब हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होता है तो वो है एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है, और हमारा वाइब्रेशन, क्योंकि इस धरती पे कल हमने बात करी थी, हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ ऊर्जामय है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें आप समझिए कि जो ऊर्जा है, जो थॉट एनर्जी है, जो शब्द की ऊर्जा है, जो शब्द हम मन में सोचते हैं वह भी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा प्रोड्यूस करती है। और उस शब्द को हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं मन में, उसके साथ इमोशंस हैं, उसके साथ भाव जुड़े हैं, तो वो मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ऊर्जा ऊर्जा जो है एक फिजिकल फॉर्म लेती है, जो ऊर्जा है वो फिजिकल फॉर्म ले रही है, फिर फिजिकल फॉर्म फिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको ऐसे समझें कि प्राणी एक आत्मा रूप होता है, आत्मा शरीर लेती है, और फिर शरीर से वो सारे भौतिक सुख भोगती है, और फिर जब वो मरती है तो फिर वो नॉन फिजिकल हो जाती है। तो हर चीज़ जो वाइब्रेशन है वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। तो लॉ ऑफ फिजिक्स कहती है कि मैटर मैटर जो है, जो भी फिजिकल फॉर्म है, मैटर यानी जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। वाइब्रेशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और वो फिजिकल मैटर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जो एटॉमिक बम है वो क्या है, एटम्स यानी फिजिकल फॉर्म को इकट्ठा करके उसको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल दिया गया कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक मतलब एटम से, यानी पदार्थ से बनी हुई, फिजिकल फॉर्म से बनी हुई एटॉमिक एनर्जी है जो नॉन फिजिकल ऊर्जा का वो कर लेती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो, और एटॉमिक एनर्जी से आप बम भी बना सकते हो। एम आई राइट? एटम बम सबने सुना ही है, दुनिया को डराता रहता है, पाकिस्तान अक्सर डराता रहता है एटम बम डाल देंगे, हिंदुस्तान, अमेरिका डराता है। पर लेकिन इस एटॉमिक एनर्जी से हम क्रिएशन भी करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एटॉमिक एनर्जी से। तो एटॉमिक एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है, हमारा शब्द भी एक एटॉमिक ऊर्जा की तरह से है। इस शब्द से हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अच्छी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं और बुरी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने अच्छी अच्छी बातें करी हैं, पर नेगेटिव एनर्जी से हम क्या क्या क्रिएट कर लेते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो सच्ची घटना है कि एक लेडी थी, उनके 7 बेटे थे, और वो हमेशा कहती थी मेरे तो 7 बेटे हैं, मेरी बहुत सेवा होगी। क्योंकि बेटे होते हैं, एक प्राउड फील करते हैं अपने देश में कि बेटे हैं तो बहुत सेवा करेंगे। तो उन्होंने क्या मैनिफेस्ट करा होगा, जो उनका बड़ा गुरूर था, तो उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया होगा, कोई बता सकता है? तो जब उनका ये विचार चल रहा था कि मेरे बेटे हैं 7 और मेरी सेवा, बेटा वो बहुत सेवा करेंगे, तो ओल्ड एज में मेरी सेवा करेंगे, तो उन्होंने मैनिफेस्ट करी बीमारी। वो बेड रिडन हो गई और उनकी बहुत सेवा हुई। बट आप देखिए, उनकी इंटेंशन जो थी, अनजाने में जो उनकी इंटेंशन थी वो ये थी कि बेटे सेवा करें। अब सेवा कैसे होगी, बीमार पड़ेंगे तभी तो सेवा होगी। तो हमारी मैल, या कई बार अनजाने में, जिसे हम अनकॉन्शियस भी कहते हैं, हम ऐसी इंटेंशन से क्रिएट कर लेते हैं बीमारियां। तो अब अपने जीवन में थोड़ा देखिए कि कहाँ कहाँ आपने कुछ नेगेटिव सोचा और वो भी मैनिफेस्ट कर लिया। हम इतने बड़े क्रिएटर हैं, हम एटॉमिक एनर्जी हैं, हम एटॉमिक एनर्जी हैं। तो कभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कभी हम बम गिराते हैं अपने ऊपर। तो हमने कहाँ कहाँ बम गिराए अपने जिंदगी में, ये आप बताइए। नेगेटिव बातें कोई नहीं करना चाहता, मैं बताती हूँ मैंने क्या करा, तो शायद आप लोगों के लिए इजी हो। मैं जो थी, मेरे को ये आज से 10-12 साल पुरानी है, मेरे दिमाग में था
था कि हाय ये मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। तो मेरे को ये बहुत पता नहीं क्यों दिमाग में बार बार मेरे को ये बार बार ख्याल आता था अनकॉन्शियस कि मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। और मेरे को ये आदत अच्छी नहीं है कि मैं ज़्यादा मतलब कैश अपने पर्स में रख लेती हूँ और पैसे चोरी ना हो जाए। तो एक नई लड़की आई काम करने वाली, और क्योंकि मेरा आगे का एक रूम है जहाँ पे मैं रेकी की क्लासेस लेती हूँ, वर्कशॉप्स लेती हूँ, और अक्सर क्लाइंट्स वगैरह पैसे देके चले जाते हैं तो वो पर्स में पड़ा रहता है। अब बाई चांस वो पैसा पर्स में पड़ा रह गया और पर्स मैंने रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आगे कमरे में है, मैं पीछे कमरे में चली गई, वो सफाई कर रही थी। और जब मैं आई तो उसने 10,000 जो थे निकाल लिए। अब मैंने 2-3 दिन बाद देखे कि पर्स में नहीं थे पैसे, हालांकि मैंने उसे बुलाया भी, उसे पूछा भी कि तुमने चोरी करी है, तो कहती है कि मैंने नहीं करी। मैंने कहा अपने बेटे की कसम, कहाँ, उसने कहा मेरे बेटे की कसम मैंने नहीं चोरी करी है, पर वही लड़की आई थी और उसने चोरी करी थी। और फिर उसने अपनी बहन को बोला कि कसम वसम से कुछ नहीं होता, तो मैंने तो झूठी कसम खा ली, तो मुझे पता चल गया कि चोरी उसे नहीं करी थी। तो ये मैंने मैनिफेस्ट किया, मैं उसको ब्लेम नहीं करती क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरे दिमाग में थॉट्स में चल रहा था कि ये मेरा चोरी हो जाएगा, तो वो चोरी हो गया। तो ऐसी छोटी बहुत सारी चीज़ें होंगी अनकॉन्शियसली जो हम सोचते हैं। तो ये जो सेमिनार हमारा रेकी का है ये अवेयरनेस का है, हमारी कॉन्शियसनेस जागृत हो और हम अपनी थॉट्स के प्रति हम कितने बड़े क्रिएटर हैं और हम क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं अनजाने में। तो अनजाने में अब क्रिएशन नहीं होगी, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, उसकी क्रिएशन हम करें। तो इसके लिए अवेयरनेस में आना ज़रूरी है कि आपने क्या क्या नेगेटिव भी क्रिएट करा है अनजाने में।